दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये यीशु के जन्मदिन वाले दिन की वीडियो है। और आप सब कमेंट करके पूछ रहे थे कि यीशु का जन्मदिन कब था। तो उसका बर्थडे था 27 अक्टूबर को, मतलब कि हम गांव में से आए थे 25 को, और फिर 27 को यीशु का बर्थडे था। और यहाँ पे उसी की तैयारी चल रही है। थोड़ा लेट डली है वीडियो, क्योंकि गांव में हम लेट हो गए थे इस वजह से। और यहाँ पे बस खाने बनाने की तैयारी चल रही है, जैसे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था। खाने में बना रही हूँ मैं राजमा चावल और खीर, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। सिंपल सा ही खाना रखूँगी, क्योंकि यीशु की पसंद का ही बना रही सारा। यीशु को राजमा सबसे ज़्यादा पसंद है और खीर भी पसंद है, और वो पूरी भी नहीं खाती, तो इस वजह से आज मैंने हल्का फुल्का रखा। थोड़ा सा सबकी तबीयत भी ऐसी हो रही और तला हुआ कई दिन हो गए खाते हुए। जैसा गाँव में दशहरा था और वो नवमी बनाया था, तो इस वजह से फिर इसके पापा भी कहने लगे कि नहीं हल्का फुल्का बना लेना। तो एक गैस पे मैंने राजमा उबलने के रख दिया, दूसरी गैस पे रख दिया था। दूध पहले बॉईल करा है, उसमें फिर डाल दिया उसमें साबुदाना। साबुदाने की मैं खीर बनाऊंगी, और चावल मैंने भिगो दिए, तो वो खीर जब तक कड़ती रहेगी अच्छे से कम कम आँच पे, और वो राजमा भी उबल जाएगा, तब तक आ गई हूँ मैं इधर बच्चों के लिए, बच्चों के साथ तैयारी करवाने में। और यहाँ देखिए क्या हुआ, पहला ही कांड देख लो मेरा। जो ये लेके आए थे डेकोरेशन वाला, ये इसमें सारे यूनिकॉर्न वगैरह स्टार वगैरह सारे थे। और जो इशू लेके आई थी, ये यूनिकॉर्न की वजह से ही लेके आई थी, इसको बहुत पसंद है, तो यही मैं जैसा फुलाने लगी एकदम से पटक गया। ये होते ही ऐसे नाजुक से, इनमें बस एकदम से मेरे से पता नहीं क्या हुआ, तो वो थोड़ी सी नर्वस सी हो गई थी, फिर अपने आप ही कहने लगी। मुझे भी लगा ये इसकी वजह से तो लाई, और ये इसमें से फट गया। एक ही था, बाकी स्टार वगैरह तो थे और, लेकिन वो ही मेरे से फट गया था। तो यहाँ वो कहने लगे, फिर अपने आप ही कहने लगी, नहीं मम्मा कोई बात नहीं, ये तो और है, इनसे मैं खेल लूंगी। तो यहाँ पे अब डेकोरेशन शुरू हो गई है। और गुड्डू को जैसे मैंने बताया, वो चली गई है ट्यूशन, क्योंकि उसको ट्यूशन जाना जरूरी था। और यहाँ पे जो डेकोरेशन कर रहे हैं इसके पापा और मैंने ये बैलून वगैरह फुलवा दिए सारे, कृष्णा ने, मैंने और यीशु ने, और ये सब कर देंगे, ये सारी लगा देंगे। तो ये दो झालर सी भी इसमें आई थी, और ये बैलून वगैरह भी आए थे पिंक कलर के और ये व्हाइट कलर के। कलर कॉम्बिनेशन तो अच्छा था इनका सारा, लेकिन जो ये इसकी झालर सी थी, ये थोड़ी कमजोर सी थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, ऐसे ही हल्की सी लग रही थी। तो फिर भी चलो, ये था कि बच्चों को पसंद आई तो हमने ले ली थी। तो यहाँ पे देखिए ये कर रहे हैं डेकोरेशन, और पीहू और इंदु भी आ गए थे, फिर रूई भी, जैसा हम कर ही रहे थे डेकोरेशन। और बीच बीच में मैं अपना रसोई का भी देख रही थी। तो पहले इसके पापा ने कर दी, फिर लग गई है इंदु, बाद में ये जो हैप्पी बर्थडे वाला लिखने होता है ना, तो ये लगाना रह गया था, तो बाद में वो लगा दिया है इंदु ने। जो बचा कुचा वो अपने हिसाब से कर देगी। तो इसके पापा कहने लगे कि ले तू कर दे, जो रह गया कमीज में वो पूरी कर दे। तो ये बस कर रही है वो थोड़ा सा इस अपने हिसाब से सेटिंग सी, और बच्चे भी लग गए, और मैं अपना जा ली हूँ किचन में, मैं करने लगी हूँ किचन का काम। और यहाँ देखिए मैं खाना बनाने लगी हूँ। राजमा हमारा उबल चुका है, और ये बस मैं लगा रही हूँ तड़का, और हमारी बातें भी चल रही है, मेरी भी और इनकी भी, और इंदु भी आ गई इंदु के साथ भी। और इधर बस मैंने प्याज डाल दी, कढ़ाई में तड़का लगा दूंगी, और उधर हमारी खीर पकने लग रही, और खीर बस उसमें ड्राई फ्रूट डालने रह गए, बाकी तो वो अच्छे से गाढ़ी होगी खूब। जैसा मैंने हल्की हल्की आंच में ऐसा बनाई, बिल्कुल जैसा चूल्हे पर नहीं रख के बनाते, हारी में रखते हैं, ऐसे ही हल्की हल्की आंच में पूरी गाढ़ी खीर बन गई हमारी। तो फिर मैं उसे बना रही थी, उसमें फिर मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया काट के। इधर फिर इंदु भी आ गई थी किचन में, वो लगाने लगी है तड़का। बाकी सामान तो मैंने तैयार कर दिया था प्याज वगैरह काट के, तो वो कहने लगी ला मैं इसमें लगा दूंगी राजमे में तड़का, और तू ये कर ले। तो फिर उसके बाद चावल भी मैंने बना दिए थे, और जब तक ये सब्जी बनी हमारी, चावल भी मैंने शायद इसके बाद ही रख दिए थे बनने के लिए, खीर के बाद ही।
तो यहाँ बस खीर तो बन गई, और इधर राजमा भी हिंदू लगा रही है तड़का, तो ये भी डाल देगी इसमें। तो दोनों बहनें लगी हुई हैं और कर देंगी फटाफट। जब दोनों लग जाती हैं बस फिर तो काम पीछे पीछे रहता है। तो यहाँ देखिए दाल भी बन गई, और इधर मैंने चावलों का भिगोना रख दिया है, इसमें चावल बन जाएंगे। और साथ साथ बनाने लगी हूँ आटा, और आटा बना के बस फिर रोटी भी साथ साथ ही सेक देंगे, तो खाने का जो काम है वो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। और ये कृष्णा देखिए जिद कर रहा है, रोटी भी मैं सेक बनाने लगी, इंदु सेकने लगी। वो कह भी रही थी तैयार हो जा, मगर नहीं खाना बना दूँ, बस रोटी बना दूंगी। पूरी का तो यह है कि गरम गरम खाई जाती है, लेकिन रोटी तो ठंडी खा लेते हैं, उसमें रख के दबा के रख दूंगी तो वो सोखती रहेगी। और यहाँ पे देखे बस दोनों बना रहे हैं, वो सेक रही है मैं बना रही। तैयार हो गया है, सारी चीज हमने बना दी है, और किचन की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है बिल्कुल अच्छे से, बर्तन भी साफ कर दिए जो रह गए थे, मतलब जो हो गए थे। और दिखा दूँ आपको क्या क्या बनाया मैंने। तो देखिए ये बन गई है खीर, ये साबुदाने की खीर बनाई मैंने, और इसमें ड्राई फ्रूट डाल रखे, और इसे अभी मैं मिक्स नहीं करने की, क्योंकि ये मलाई फिर वो हो जाएगी, बच्चे फिर मलाई खाते नहीं, इस वजह से फिर बाद में ही करूंगी। तो ये साबुदाने की खीर बनाई है, और ये बन गए हैं चावल, ये बन गया है राजमा यहाँ पे, और देखिए राजमा बन गया, खाना सारा तैयार ही हो गया बन गया, और ये बन गई है रोटी। तो बना के मैंने रख दिया है सारा खाना, उधर किचन भी बिल्कुल क्लीन कर दी, गैस वगैरह बर्तन सब कुछ, मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया। बस अब तो जब खाएंगे तब दे दूंगी, और अब मैं थोड़ा सा कर दूंगी घर का सेटिंग सी, ऐसे ही पड़ा। चल बाहर तो फिर भी ठीक है, अंदर देख लो, ये देखो इन्होंने ये तैयार हुई ना सारा ऐसा कर दिया, तो इसे थोड़ी सी सेटिंग सी कर दूं, इधर वाले रूम में भी और उधर वाले में भी। उधर कान्हा जी को तैयार करा, वो भी ऐसे ही घेर दिए इन्होंने कपड़े, तो मैं थोड़ा सा सेटिंग सी करके और फिर मैं होंगी तैयार। हाँ फिर अपनी करूंगी, क्या करेगी। हाँ बस तो फिर तो एक बार तू क्या करेगा मेरी धोती बंद का। और देखिए लड्डू गोपाल जी भी हमारे तैयार हुए बैठे हैं, और ये देखिए आज रूही ने इन्हें नई ड्रेस पहना दी, ग्रीन ग्रीन हो रहे, बस ग्रीन अलग है। और ये भी दोनों तैयार होके आ गए, लड्डू गोपाल तीनों के तीनों यहाँ बैठे हैं, और बस अब मैं थोड़ी सी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्डू का टाइम है 8 बजे आने का, उसके बाद ही सारा प्रोग्राम होगा। चलो जब तक मैं और कर लूँ जो बच रहा मेरा काम। ओए तू तैयार हो गया, ये भी हो गया है तैयार, ये भी अपने कपड़े लेके आया था, बहुत सुंदर लग रहा मेरा राजा तो, है ना सुंदर लग रहा ना, सुंदर लग रही है ड्रेस तो, इसकी डिफरेंट सी है ना, सारे अन्य कलर एक ही हो रहे। वाह फुल स्लीव थी, हाफ ही थी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं भी रेडी होके आ गई हूँ, और मैंने ये वाला सूट पहन लिया अपना रेड वाला, और गुड्डू भी आ गया है, गुड्डू भी तैयार होने लग रही है। और बस अब इसके चाचू कन्हैया तो आ गया, इसके चाचू रह गए हैं नीरज भैया, वे भी आने लग रहे हैं, उनको भी फोन करके बोल दिया, और टाइम 8 ही बजने वाले बस। और बस अब करते हैं तैयारी, और बच्चे देखे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, वे उन्हें ये लग रहा कि पहले टोपी रख लो कभी फिर रह जा। दोनों की दोनों कभी की कह रही रूही मम्मी थाली तैयार कर लूँ वो काम कर ले। तो यहाँ देखे रूही ने अपनी रख ली है टोफी वगैरह, तो मैं भी इनके साथ करवा देती हूँ तैयारी। रूही ने लगा दिया प्लेट तैयार कर दी चॉकलेट की टोफी की, और कुछ की जरूरत तो नहीं है बेटा रूही जा है? है रूही और किसी चीज की तो नहीं जरूरत है अखे नियम तो।
और ये देखिए केक कटिंग होने लगा की तैयारी होगी। और केक हम जब भी ले आए थे और बहुत सुंदर केक है। वैसा इशू तो पिंक कलर का कह रही थी, लेकिन इसके पापा कहते हैं कि जितना ज़्यादा कलर होता है इतने ही केमिकल होते हैं कलर में, तो सिंपल ही इन्होंने रखा। ये वाइटी केक लाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। उससे पिंक वाले से भी मुझे भी ज़्यादा पसंद था, तो फिर यही ले आए हम वाइट में ही। ये कहने लगे कि कलर फिर खाते हैं ना, भी नुकसान देते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सुंदर केक है और बच्चे एक्साइटेड हो रहे केक काटने के लिए। और रूही लेके आई है दिया और उसने जला दिया, देखिए उसने तिलक की प्लेट कर दिया तैयार। तो केक यहाँ पे कट चुका है और बस अब है हमारा वो ही आपको पता सेलिब्रेशन चल रहा है। अब बारी बारी करके ईशु को सब तिलक करेंगे और फिर उसको केक खिलाएंगे और वो भी सबको। और कृष्णा तो हो रहा था परेशान कि मुझे काटना, और इस बार इन तीनों बहनों ने ठान ली थी कि इस बार कृष्णा से नहीं कटवाएंगे। कृष्णा क्या करता है, जिसका भी बर्थडे होता है उसी में ही वो केक काटने की कोशिश वो करता है कि मैं ही काटूंगा। उसको लगता है कि मैं छोटा, अभी छोटा ही है ना, उसको पता नहीं। लेकिन ये भी करती है कि जब भी हमारा बर्थडे होता है कृष्णा ही सब कुछ करता है। तो इस बार ईशु ने तो पहले ही बोल दिया था और रूही ने भी कि इस बार कृष्णा नहीं काटेगा केक, हम ही काटेंगे। हर बार यही काटता है अब 2-3 बार से हमारा, कि उसे मुश्किल हो रहा बिठाना, लेकिन जैसा कैसा उसे थाम लिया और फिर यीशु ने ही काट दिया। और देखे कृष्णा ने तिलक कर दिया और वो कितनी मस्ती कर रहा, और अब रूही कर रही। और आपको पता है जैसा कि रूही और यीशु की बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की, और दोनों ने देखे एक दूसरे को केक भी खिला दिया और यीशु को टिक्का कर दिया, और फिर गिफ्ट भी दिया है रूही ने भी, कृष्णा ने भी और पीयू ने भी। और फिर रिटर्न गिफ्ट ईशु भी दे रही है सबको, चॉकलेट और टॉफी वो लेके आई थी। तो वो कह रही, पहले ही कह रही थी कि मैं सबको दूंगी जो भी मुझे टिक्का करेगा, तो वो सबको देती जा रही जिसने भी उसको टिक्का करा। और यहाँ देखे फिर पीयू भी कर रही है, बारी बारी से सब इसी तरीके से ईशु का करेंगे तिलक। देखिए सभी ने कर दिया, बस लास्ट में बारी आ गई है हम दोनों की। हम दोनों रह रहे हैं, इसके पापा और मैं। और यीशु का जो माथा है वो सारा सिंदूर से बांध दिया था, मतलब सिंदूर ज्यादा लग गया था तो काफी मैं उसको साफ ही कर रही थी। और यहाँ इसके पापा देखे पैसों को देख रहे हैं, ना मजाक करने में पीछे नहीं रहते। तो उन्होंने क्या करा, 500 का तो रख दिया और 500 रुपये खुले हुए उसमें से उठा लिए। तो फिर वही हम हंसी मजाक कर रहे, मगर रखने का फायदा क्या हुआ उनको, रखने थे मैं कह रहे थे कि मुझे 100 रखने थे। तो फिर ऐसा ही चल रही है हंसी मजाक यहाँ पे, बस इन्होंने भी कर दिया, उसके बाद मैंने भी कर दिया है तिलक। हैप्पी बर्थडे टू यू।
और तिलक करने के बाद अब देखिए बारी आ गई है थोड़ा सा उसकी क्या बोलते हैं थोड़े से सेलिब्रेशन की। यहाँ पे यीशु को सब विश कर रहे हैं और उसको वो कह रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई कर अच्छी ऐसा बन और बहुत मतलब विशेस दे रहे हैं सब। तो ये सब करने के बाद थोड़ी देर हमने बातें करी और अब फिर हमारा काम होता है केक खाना। तो उसके बाद फिर मैंने सबको दिया है केक और सबने खाया है केक और चॉकलेट केक काफ़ी सारे हो गए थे, मिठाई भी रसगुल्ले भी। तो खाने की तो फिर भूख नहीं रही, फिर खाना हमने थोड़ी देर बाद खाया था। तो अब बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।